बेचदा मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख तेरा सोना वेखदा वेखदा मर जावा ते मैं वेखा मेरा यार ना वेखे ते जे मैं ना वेखा ओ वेखे ते ऐसे लेख कदू होवन के मेरे विच वेखण दे वेखे ते यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण बुलेखे गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए पावे वेखे या ना वेखे समझी ते शाम अब सिवा चाहिए आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए बरके जोली मेरी मेरे सरकार ने पूछते हैं बला और क्या चाहिए आता आप अपनी गुलामी की दे दे सनद आता आप अपनी गुलामी की दे दे सनद इज्जत और मर्तबा और क्या चाहिए हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर ये जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के मैदान के अंदर बोली लाकर फेंक रहे थे तो बड़े बड़े बादशाह आकर उन्हें खरीदने के लिए नाम लिखवा रहे थे। उनमें एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल गरीब थी, जिसके पास कोई कोई माल दौलत नहीं था, वो भी आकर सब लेकर खड़ी हो जाती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार तो बादशाह है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदने के लिए आए हैं। ऐ नबी की रूहों, आपको मैं वतन फवतन दुनिया के अंदर नबी बनाकर भेजूंगा, मी सात नबी जिन, लेकिन मुझसे एक ऐद करना है, मैंने आपसे एक वादा लेना है। यार वो क्या वादा है?
क्या वादा लेना है, हमने तो दुनिया के अंदर तेरा नबी बनकर जाना है, या अल्लाह वादा किस चीज का है? मेरे रब ने फरमाया मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर भेजूंगा। कहीं उन शानों को देखकर तुम ये ना भूल जाना कि मेरे मोहम्मद को ना भूल जाना। एक रसूल तुम्हारे अंदर आएगा, वो आखिरी नबी होगा। तुमने जाकर एक तो अपनी उम्मत को मेरी रबूबियत का, मेरी वहदानियत का बताना है कि रब्बे जुल जलाल तुम्हारा खुदा है, वो सबका पैदा करने वाला है। लेकिन मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बताना है कि हमारे बाद एक नबी आएगा जिसकी खातिर रब ने सारे नबी अल्लाह की बरगाह में इकट्ठे हो जाएंगे। रब फरमाएगा बताओ तुम्हारे साथ और तुम्हारी उम्मतों के साथ क्या सलूक किया जाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अल्लाह की बरगाह में अर्ज करेगा, ए बारी ताला जो हमारी उम्मतों के नेक लोग हैं, हमारी उम्मतों के जो जन्नती को बेताब है, या नबी आपका नक्श पा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत हदीरदार की, आपका जलवाए हक नुमा चाहिए। और हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ऐ गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। ना दौलत चाहता हूँ, ना जहां चाहता हूँ, ना हूरों की है तलब मुझे, ना बिलमा चाहता हूँ, और ना जन्नत की हवा चाहता हूँ, मैं तो फकत दीदार मुस्तफा चाहता हूँ। और उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गई उम्मती और क्या चाहिए, अपनी फर्दे अमल पर नजर जब पड़ी आंख बोलना हुई और क्या चाहिए, और बन गए जब मोहम्मद के दर के गुलाम पाई शाने शहीद और क्या चाहिए, और याद शाने मदीना जो आती रही हो गई हाजरी और क्या चाहिए, और बाद मरने के तेरी लहद लोग हैं। तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, अरे हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, अरे हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अरे हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि साथों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे मोहम्मद तू मेरे घर आ गया, खुदा को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको, मैं खुश हूं कि तेरी सूरत में रब्बे काबा मिला है मुझको। और दिखाई दे जिसमें सूरत अल्लाह, मैं वो पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी, मैं तुझको पालूंगी इस तरह से कि पालने वाला भी दाद देगा, मेरे अपने पिसर भी होंगे जमाना मोहम्मद की मां कहेगा। मैं तुझको पालूंगी इस तरह से
मैं तुझको पालूंगी इस तरह से कि पालने वाला भी दाद देगा, मेरे अपने पिसर भी होंगे, जमाना मोहम्मद की माँ कहेगा। समीजिए शाम हुजूर अलैहि सलातो वसलाम झूले में लेटे हुए हैं, आप अलैहि सलातो वसलाम की उंगली उठती है, इधर जाती है, उधर जाती है, शिमाल को, जुनूब को, तो जिधर जिधर मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम की उंगली जाती है, चांद उधर उधर साथ रक्स करता है। तो गोया हजरत हलीमा सादिया जब देखती हैं तो कहती हैं कि चांद बला तुझको क्या हुआ है, चांद बला तुझको क्या हुआ है, तू गड़ी गड़ी आता जाता क्यों है, ये इतनी बेचैनियां है क्यों, आखिर तो इतने चक्कर लगाता क्यों है, और तू हुस्ने अहमद से कर है नादिम तो इस हवेली में आता क्यों है, और चांद तेरा ये चेहरा मेरे नबी के हसीन तलवों से मांद है ना, चांद तेरा ये चेहरा मेरे नबी के हसीन तलवों से मांद है ना, हमारे घर ना आया कर, क्यों कि अब हमारे घर अपना चांद है। तो समझिए इत्तेशाम, अब आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही प्यारे सनाखान जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं और अपनी प्यारी आवाज में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात। صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سهوے کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرے ساتھ مل کے یہ بولی پڑھیے گا اللہ Allah
क्या दास्ता है, अली शाह नजफ, शाह विलायत, अली मौला इमाम हर सभा है, और अली के हाथ को कहिए यदुल्ला, अली मन कुंत मौला का बयां है। अली के हाथ को कहिए यदुल्ला, अली मन कुंत मौला का बयां है। मन कुंत मौला ये कौन बोला, मन कुंत मौला ये कौन बोला, इरशाद मौला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। सामने से शाम अब मैं आपके सामने दावत खिताब दे रहा हूँ, जनाब फाजिल जलील आलम नबील मुकर्रर शीरी बयान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना तवक्कल अब्बास साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब ज़िशान से हमारे कबूल क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी। जहांगीर ने मैं मारना पड़ा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أنزل الله إليكم ذکر الرسول صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ سید المرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب آواز بلند پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا کے دہلا پیسے عرض و سما والی عرب و عجب والی مدینہ صاحب معطر پسینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس بناہ کے اندر حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت معاب جناب محترم سمیع اللہ بھٹی صاحب اور ہمارے انکل محمد علی صاحب اور محمد مجاہد صاحب کہ جنہوں نے آج کی اس ذیوقار اس عظیم محفل کو سجا کر مجھے اور آپ کو ایک جگہ مل بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر بندہ نجیز کو بھی مجھ عاجز کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ہم الجلسا لا یشقی جلیسہم۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو محافل تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے سجاتے ہو، ان محافل کا انعقاد کرتے ہو، یہ محافل خوش بختوں کی ہوا کرتی ہیں، بد بختوں کی نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی بد بخت بھی ان محافل کے اندر آ جائے تو ذکر کا صدقہ وہ بھی خوش بخت بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جتنے احباب بھی آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہو، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سارے کے سارے خوش بخت ہو۔ جسے یقین ہے اپنی خوش بختی کا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔
मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपके वक्तों को मजीद बुलंद फरमाए। खिताब आप समाप्त कर चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे अलामा जहांगीर साहब। मैं मोहम्मद मुजाहिद साहब के हुक्म की तकमील में चंद मिनट की हाजिरी पेश करूंगा। आप आबाद के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से दो आयात करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। फरमाया قل اے محبوب ان سے کہہ دیجئے بفضل الله جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے وبرحمته اور اس کی رحمت آ جائے فبذلك فليفرحوا फिर ऐसे नहीं बैठना, फिर खुशी का इजहार करना है। हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन और ये खुशी उससे बेहतर है जो कुछ वो जमा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने दो सिफतों का जिक्र किया है, एक फजल है और दूसरा रहमत है। छठे मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने, ये जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, ये कोई आम मुहद्दिस नहीं है, ये वो मुहद्दिस हैं जिसे हर तबके फिक्र के लोगों ने तस्लीम किया है। ये वो मुहद्दिस हैं जिनका हर दिन देही में गुजरता था, पर हर रात मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम के रोजे पर गुजरती थी। ये वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने 12 साल अपनी दाढ़ी से नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर झाड़ू दिया है। जो वो मुहद्दिस हैं कहते हैं कि ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद को साबित कर रही है। अब देखें, अगर हम शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इस बात पर गौर करें कि ये वाकई आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद को साबित कर रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन कौन सी सिफात का जिक्र किया है। अगर वो सिफात आपके और मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात में पाई जाए, तो फिर हमें आंखें बंद करके तस्लीम करना पड़ेगा कि वाकई ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद को साबित कर रही है। आइए देखते हैं अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर कौन सी सिफात का जिक्र किया। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर एक फजल का जिक्र किया है और दूसरा रहमत का जिक्र किया है। अब हम अपने खालिक से पूछते हैं, ऐ खालिक हमें बता, हमारे नबी को तूने फजल बनाया है कि नहीं, हमारे नबी को तूने रहमत बनाया है कि नहीं। खाले के कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज्निहि व सिराजन मुनीरा व बशिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाह फदलन कबीरा। खाले के कायनात फरमाता है, मैंने नबी को सिर्फ फजल नहीं बल्कि बहुत बड़ा फजल बनाया है। इसीलिए कहते हैं फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अगर आपका शौक हो तो ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। जिस जिसका अकीदा है मेरा नबी फजल बन के आया है, वो मेरे साथ गूंज पा के पड़े, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। जिस जिसको मेरे आका के मिलाद की खुशी है, गूंज पा के पड़े, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला तूने फजल बना के भेजा है, ऐ परवरदिगार हमें ये भी बता दे,
हमारे नबी को रहमत भी बना के भेजा के नहीं। खाले के कहनात इरशाद फरमाता है, कुरान पढ़ के देखो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, एक जहान के लिए नहीं, दो जहानों के लिए नहीं, मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बना। रब्बे कायनात ने नबी को रहमत भी बना के भेजा, फजल भी बना के भेजा। अब हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो बात की है कि ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद को साबित कर रही है, वाकई मिलाद को साबित कर रही है। तवज्जो कीजिए, आगे रब्बे कायनात ने फरमाया, फबी ज़ालिका फल यफ़रहू, जब तुम्हारे पास फजल भी आ जाए, रहमत भी आ जाए, फिर खुशी का इजहार करो। यफ़रहू ये अमर का सीगा है। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पूरा हजरात बैठे हैं। यफ़रहू अमर का सीगा है, अरबी का एक कायदा है। अल अमरु लिल वुजूब, जो अमर होता है वो वुजूब का तकाजा करता है, वाजिब होने का तकाजा करता है। अब देखें, अगर कुरान में नमाज का हुक्म हो तो नमाज फर्ज, अगर रोजे का हुक्म आ जाए तो रोजा फर्ज, ज़कात का हुक्म है तो ज़कात फर्ज, हज का हुक्म है तो सारे इस्तेदात पर हज फर्ज। अगर मिलाद का हुक्म हो तो मिलाद जरूरी क्यों नहीं हो सकता, मिलाद जरूरी क्यों नहीं हो सकता? तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि खुशी का इजहार करो जब तुम्हारे पास फजल और रहमत आ जाए। उसके बाद खालिक कायनात ने फरमाया, हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन, जब फजल आ जाए, रहमत आ जाए, खुशी का इजहार करो, और यह खुशी उससे बेहतर है जो कुछ वो जमा करते हैं, जो कुछ तुम जमा करते हो। और जमा हमेशा दो चीजें की जाती है, या माल जमा किया जाता है या आमाल जमा किए जाते हैं। माल जमा किया जाता है जरूरतें जिंदगी के लिए, और आमाल जमा किए जाते हैं जरूरतें आखिरत के लिए। खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे नबी के मिलाद की खुशी करो, ये उससे भी बेहतर है जो माल तुम दुनिया के लिए जमा करते हो, और उससे भी बेहतर है जो आमाल तुम आखिरत के लिए जमा करते। दूसरे मकाम पे खाले के कहनात ने फरमाया, قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا, تحقیق اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ذکر رسول کو نازل کیا ہے, ذکر رسول کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے نماز کو بھی ذکر کہا ہے, قرآن نے اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے, اور ذکر مصطفیٰ کو بھی ذکر کہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, زندہ باد۔ تو ذکر اللہ نے سورۃ طہٰ کے اندر ارشاد فرمایا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس آیت میں قرآن کو ذکر کہا کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور ذکر مصطفیٰ کو بھی ذکر کہا۔ نماز کو اللہ نے ذکر کہا, پر رب کی عادت نہیں ہے کہ رب وہ ذکر کرے۔ قرآن کو خالق کے کائنات نے ذکر کہا, پر رب کی عادت نہیں کہ قرآن وہ ذکر کرے۔ پر ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو رب پہلے خود کرتا ہے پھر اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ, کہ جس ذکر کے کرنے کے لیے محترم جناب سمیع اللہ بھٹی صاحب نے انعقاد کر کے آپ کو اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ دعائیں کہ اللہ کریم ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ اور دوسری بات, آج ہم لوگ مشاہدے کے محتاج ہیں, ہم تب تک کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں جب تک دیکھیں۔ بیت اللہ شریف, خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ دیکھ کر, مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھ کر, بیت اللہ نہیں تھا تو طواف نہیں تھا,
गाते हैं सर जी, और आप भी अगर किसी को नाथ खां मानते हैं तो सुनकर, किसी को खतीब मानते हैं तो सुनकर, पर खाले के कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे लिए मबूस फरमाया, बगैर देखाए के मनवाया, और किसी आम बंदे से नहीं मनवाया। बहुत बड़ी जमात जो सबसे अफजल जमात है, अंबिया की जमात है, उससे अल्लाह ने मनवाया। अभी महबूब को दिखाया नहीं, अल्लाह ने आलम अरवाह में महबूब की रिसालत के लिए महफिल का इनेकाद किया। वइला खज़ल्लाहु मीसाकन नबीजीना लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। रब्बे कायनात ने नबी की रिसालत के लिए आलम अरवाह में जलसा किया और अंबिया को बुलाया, नबियों की जमात को बुला के अभी महबूब दिखाया नहीं, पहले मनवा दिया कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुम्हारी तस्दीक करने वाला हो उस पर ईमान लेके आना है। वो है हमारे नबी, वो हमारे आका है। हम पहले मैंने बताया है कि हम बगैर मुशाहदा किए किसी चीज को मानते नहीं, पर अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया है, ऐसा मबूस फरमाया है। अभी तशरीफ इस कायनात के अंदर नहीं लेके आए, रब्बे कायनात ने सबसे बड़ी जमात से उनकी तस्दीक का इकरार करा दिया। इसीलिए कहता हूँ कि उस बेहद ने अजब काम किया के हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो रहा पर्दे में, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद का, सामने तस्वीर मोहम्मद का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि जिसने अपने पाक महबूब को मबूस फरमा के हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की राह दिखाई है। यकीनन अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर तशरीफ ना ले आते तो जो हम आज इबादत करते हैं ये इबादत ना होती, हमें पता ना होता कि कुरान कैसे पढ़ना है, हमें पता ना होता कि रोजा कैसे रखना है, हमें पता ना होता हज कैसे अदा करना है, हमें पता ना होता नमाज कैसे अदा करनी है। सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जो इबादत है वो नमाज है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अव्वल युहासिबु बिहिल अब्द यौम अल कियामा अस्सलाह। फरमाया कयामत वाले दिन भी सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। किसी मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। किसी मकाम पे फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु अईन, अईन नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। किसी मकाम पे फरमाते हैं मन तारक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी गोया कुफ्र की हद तक पहुंच गया है। इतनी अहमियत की हामिल ये इबादत नमाज, जिसके करने का अल्लाह ने कुरान में 700 के करीब हुक्म दिया है। कितनी मरतबा? 700 के करीब अल्लाह ने हुक्म दिया। इतनी अहमियत की हामिल इबादत अल्लाह ने पूरे कुरान में 700 मर्तबा हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में ये कहीं नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी है। पूरे कुरान में अल्लाह ने ये कहीं नहीं बताया कि यह नमाज का तरीका है। अब तरीका सीखने के लिए हमें रिसालत माब अलैहिस्सलाम की जात और की सीरत की तरफ रजू करना पड़ता। आका अलैहिस्सलाम तो रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने नमाज फर्ज कर दी है ऐ महबूब, इन्हें कह दीजिए कि सल्लू कमा रअयतुनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता देखते हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ना ले आते तो हमें क्या पता कैसे हमने नमाज अदा करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पैसे रहमत बनकर आए हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हम पर। माशाल्लाह आलमा जहांगीर साहब बता रहे थे कि लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ने और भी बहुत सारे एहसान किए हैं हम पर। अल्लाह ने हमें आंखें दी,
ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें समाज के लिए कान दिए, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें जुबान भी बोलने के लिए, ये भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें हयात दी, ये भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें बहन भाई दिए, ये भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने वालिदैन जैसी अजीम हस्ती दी, ये भी अल्लाह का एहसान, ये सब अल्लाह के एहसानात हैं, पर इनमें से अल्लाह ने कोई एहसान भी कभी भी छिताया नहीं। पूरा कुरान पढ़ के देख लिया, चाहे सत्ता की हदीस पढ़ के देख लें, कोई एहसान अल्लाह ने जितलाया नहीं, पर महबूब अलैहिस्सलाम को भेजकर अल्लाह ने एहसान जितलाया है, मन्ना का सीवा इस्तेमाल किया है, और मन्ना का सीवा गैमर की रूह से देखा जाए, वैसे अल्लाह आतैना का सीवा भी इस्तेमाल कर सकता था। अल एहसान कुरान में और जगह भी मौजूद है, अल्लाह ये भी फरमा सकता था कि मैंने एहसान अल एहसान का सीवा भी इस्तेमाल कर सकता था, पर खालिक कायनात ने वो सीवे नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि वो एहसान वो है जिसका बदला चुकाया जा सकता है, जिसका नेमुल बदल मौजूद है। आप किसी के साथ एहसान करते हैं, वो आप पर अगर एहसान उसी तरह का कर दे तो ये बदला बराबर हो गया। और मन्ना का सीवा वो है, इसका माना भी एहसान होता है, जो वो एहसान होता है, आप जो मर्जी कर रहे हैं ये एहसान चुकाया नहीं जा सकता। खालिक कायनात ने मन्ना का सीवा इस्तेमाल किया कि मैंने मोमिन पर एहसान किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया कि अलन नास कि मैंने लोगों पर एहसान किया है, नहीं फरमाया मोमिन मोमिन पर एहसान किया है। तो पता चला आज नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के जिक्र की महफिलें सजाकर मोमिन ही इजहार करते हैं और शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने हम पर एहसान, जिसका एहसान जिस एहसान का अल्लाह ने जिक्र किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र के उनके विलादत के हवाले से आज की ये महफिल इनेकाद पजीर पाई है। यकीनन हम सब की खुशबख्ती है कि हम यहाँ आए हैं अल्लाह और अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने का हमें मौका मिला है। दुआ है कि अल्लाह करीम अपने महबूब की विलादत का जश्न मनाने की हमेशा हमेशा तौफीक अता फरमाए, और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र की महाफिल हमेशा के लिए इनेकाद करने की सआदत बख्शे। बजमेत सब रात सजी थी अभी अभी, बजमेत सब रात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, जिब्राइल फरिश्तों से मालूम कर रहे थे, जिब्राइल फरिश्तों से मालूम कर रहे थे किसके लबों में नाते नबी थी अभी अभी। अली का है मन से फिजाए दहर में सारा, अली का है मन से फिजाए दहर में सारा, अली का है जिस समत दे तेरे इल्म की बिसार।
पर करम नसीर ये सारा अली का है मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका कह देना
कह देना गुजर तेरा से सलाम कह देना मिले कहीं जो हलीमा की बकरियों वाला तो उसकी गर्द जबी से सलाम कह देना और साड़ी हाजरीनों आका कबूल कर ली तेनों तेरे यारा दा वास्ताई जिना डूंगिया गारा विच असल ही रोयो आका ना डूंगिया गारा दा करबला दे अंदर जड़ियां टूट गईयां तेनों ना तलवारा दा वास्ताई कैदी होके गईयां जड़ियां शाम बल्ले तेनों ना कतारा दा वास्ताई कज लई परदे असा दी चादर दा वास्ताई खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो दस्ते बस्ता تمام حضرات مل کر دعا کریں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور جس نے بھی قدم سخنے جس طرح بھی اپنی حاضری لگوائی یہ کام کے سلسلے میں جنہوں نے بھی کام کیا سب کی حاجات دلی نے تمناؤں کو اللہ پوری فرمائے اور بالخصوص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کیونکہ ہمارا سب کا رزق اس دفتر کے ساتھ اس آفس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہمیں دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے تاکہ ہم سب اچھی طریقے سے یہاں پہ اور بالخصوص ہم تعلیم بھی قرآن کی دے رہے ہیں ہر ایک اپنے دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب ذو الجلال آج ہمارے اس قرآن ریڈنگ کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا, یا اللہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی, پیارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھی گئی, بیان کیا گیا, مولا کریم جتنا بھی ذکر اذکار کیا گیا, صلاۃ و سلام پڑھا گیا, مولا کریم یہ سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول اور منظور فرما. یا اللہ سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عاجزانۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرتے ہیں, قبول اور منظور فرما. یا رب ذوالجلال جتنے بھی مسلمان کلمہ گو پڑھنے والے مولا جتنے بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے مولا تمام کی بخشش فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے سب کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی بیمار مولا تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا رب ذوالجلال سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, تمام کی دلی نئے تمناؤں کو پورا فرما, رزق میں مال جان عزت ابرو میں برکتیں عطا فرما. یا رب ذوالجلال بالخصوص اس دفتر قرآن ریڈنگ کے اندر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب ذوالجلال اپنا خاص فضل و کرم فرما, ہماری اس محفل کو اپنی برگاہ بے قصد و پناہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ ہم گناہگار سے آگار بدکار ہیں مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا, اپنے رحمت کے صدقے سے عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا ہمیں عطا فرما. یا اللہ اس محفل کے اندر جو تیرا نیک بندہ ہاتھ اٹھائے تیری برگاہ میں کھڑا ہے مولا, اس کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہماری اس دعا کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر جو سیلاب زدگان کے اندر جو لوگ شہید ہوئے, یا اللہ جو پریشان ہے مولا ان کی مدد فرما, مولا جو شہید ہو چکے مولا ان کی بخشش فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما, یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما, اپنا خاص فضل و کرم فرما, جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانی کو دور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر کی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.